Force Edge, nous entrons dans une nouvelle ère. तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फोर्स एज प्लेटफॉर्म के बारे में। फोर्स एज एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो कि 100% डिसेंट्रलाइज है, यानी कि दोस्तों इसका ना ही तो कोई एमडी है, ना ही सीएमडी है और ना ही इसमें किसी का एडमिन रोल होता है। दोस्तों यह फुल्ली ऑटोमेटिक है और दोस्तों आपको बता दें यह सिस्टम लाइफ में कभी भी बंद नहीं होगा और चाहकर भी कोई इसको बंद करना चाहेगा तो इसको बंद नहीं कर सकता, क्योंकि यह एक ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के ऊपर रन करता है। दोस्तों आप ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी गूगल या यूट्यूब पर सर्च करके देख सकते हैं कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्या है। दोस्तों अब आपको बता दें, अगर हम किसी भी कंपनी में काम करते हैं तो हमें काफ़ी डर बने रहते हैं, जैसे कि हमारी आईडी का भी ब्लॉक तो नहीं हो जाएगी, या हम जो पैसे उस कंपनी में कमाते हैं वो 1000 या 2000 या 5000 रुपये होकर ट्रांसफ़र होंगे। दोस्तों क्योंकि उस कंपनी का सभी कंट्रोल उसके एमडी सीएमडी और उसके स्टाफ के हाथ में रहता है। दोस्तों जब वो कमांड देंगे तभी आपके पैसा आपके अकाउंट में पहुंचेगा और तभी आपकी आईडी में बैलेंस अपलोड होगा। लेकिन दोस्तों फोर्स आज में ये सिस्टम नहीं है। फोर्स आज पूरी तरह से संसार का पहला ऐसा प्रोजेक्ट है जो कि 100% डिसेंट्रलाइज है और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को ऊपर रन करता है। तो वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है दोस्तों, अब हम जल्दी से इसके प्लान के बारे में समझा देते हैं आपको इसमें क्या करना होगा और किस प्रकार से आपको इनकम मिलने वाली है। तो फोर्स आज का प्लान कुछ इस प्रकार काम करता है। अगर आप इस सिस्टम में जुड़ना चाहते हैं तो आपको इसमें 3 स्लॉट देखने को मिल जाएंगे, जो कि X3, X4 और XXX स्लॉट मिल जाएंगे। और इन स्लॉटों के अंदर 12-12 स्लॉट और दिए गए हैं जो कि आपको ज्वाइनिंग होने के लिए बाय करने पड़ते हैं। दोस्तों जैसे ही आप ज्वाइन होते हैं तो आप एक एक स्लॉट के साथ भी इसमें स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे कि इसमें X3 का स्लॉट 5 BUSD का दिखाया गया है पहला, और X4 का भी पहला स्लॉट 5 BUSD का है, और दोस्तों XXX का पहला स्लॉट 8 BUSD का है। आपको बता दें $1 $1 के बराबर होती है, तो $5 आप $5 के बराबर समझ सकते हो। तो हम इसमें 18 BUSD के साथ ज्वाइन हो सकते हैं, और कुछ हमें स्मार्ट चेन की ज़रूरत पड़ती है जो कि हमारे 1800 रुपये के समथिंग इसमें ज्वाइनिंग लग जाती है, जो कि तीनों स्लॉटों में हमारा एक एक स्लॉट एक्टिवेट हो जाता है। अब दोस्तों बात करते हैं इसमें इनकम की, कि इनकम किस प्रकार से होती है। दोस्तों पहले हम आपको X3 वाले स्लॉट से समझाएंगे और बारी बारी से सभी को समझाएंगे। तो X3 में जैसे ही हम पहला स्लॉट एक्टिवेट करते हैं और हम अपने डाउन में किसी भी एक व्यक्ति को जोड़ते हैं तो आप देख सकते हैं हमारे X3 वाले में 3 गोले देखने को मिल जाएंगे। अब जैसे ही हम अपने डाउन में किसी व्यक्ति को जोड़ते हैं तो हमारा पहला गोला बढ़ जाएगा और जितने की स्लॉट की कीमत होगी हमें उतने ही BUSD यहाँ पर मिल जाएंगे, यानी कि हमारे इस स्लॉट की कीमत 5 BUSD है। तो हमें 5 BUSD हमारी फोर्स आज के वैलेट में पहुँच जाएंगे, जो कि हम इन्हें कहीं भी कभी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब जैसे ही हम दूसरा बंदा जोड़ते हैं तो हमारे यहाँ पर फिर से 5 BUSD मिल जाएंगे। दोस्तों हमने स्लॉट में लगाए 5 BUSD और हमें 2 बंदों से 5-5 10 BUSD मिल गए हैं, तो ये भी हमारे डायरेक्ट आईडी में जाएंगे। और जैसे ही हम तीसरे बंदे को जोड़ते हैं तो X3 में हमारा तीसरा गोला दिख रहा होगा। दोस्तों जैसे ही वो बंदा हमारा यहाँ पर आके बैठेगा तो उसका पैसा हमारे अपलाइन को चला जाएगा, जो कि यह स्लॉट रिसाइकिल हो जाएगा और यह तीनों घेरे फिर से खाली हो जाएंगे। और हम इसमें जैसे ही जोड़ेंगे तो फिर से इनमें काउंटिंग स्टार्ट हो जाएगी और यह इसी प्रकार से भरते रहेंगे, यह स्लॉट हमारा कभी भी एक्सपायर नहीं होगा। अब दोस्तों आप यह देखिए, हमारा स्लॉट एक बार रिसाइकिल हुआ है और हमें 10 BUSD की इनकम हो चुकी है। अब यह हमारा स्लॉट बार बार रिसाइकिल होता रहेगा और हमारा अकाउंट आईडी कभी भी एक्सपायर नहीं होगी। दोस्तों अगर आप इसमें एक बार ज्वाइन हो जाते हो ना ही तो आपकी आईडी कभी हैक होगी और ना ही डिलीट होगी और ना ही दोस्तों यह कभी एक्सपायर होगी। तो आप इसके साथ जुड़कर लाइफ टाइम के लिए बिना किसी टेंशन के काम कर सकते हो। अब दोस्तों यह देखिए, हमने 3 बंदे ज्वाइन कराए और हमें 10 BUSD की इनकम हो चुकी है X3 वाले स्लॉट में से। अब हमारा जो दूसरा स्लॉट की कीमत है उसकी 10 BUSD है, तो हम उन्हीं 10 BUSD से उस स्लॉट को एक्टिवेट कर लेंगे। तो दोस्तों अगर लाइफ में जो हमारा डाउनलाइन है वह कभी भी स्लॉट एक्टिवेट करेंगे दूसरा वाला, तो हमें इसी प्रकार से 10 BUSD मिल जाएंगे और दोनों से 20 BUSD मिल जाएंगे, तो हमारे 20 BUSD मिल जाएंगे। और जो हमारा X3 में तीसरा स्लॉट है इसकी कीमत 20 BUSD है, तो हम इसी से अगला स्लॉट एक्टिवेट कर लेंगे और लाइफ में वह कभी एक्टिवेट करेंगे तो हमें जितनी स्लॉट की कीमत है एक बंदे से उतने पैसे मिलते रहेंगे। अगर हमारे 2 बंदे हैं तो हमें 40 BUSD मिल जाएंगे, और इसी प्रकार से हमारे 9900 BUSD तक स्लॉट है जो कि लास्ट में स्लॉट है। और दोस्तों कभी वह लाइफ में यहाँ तक भी पहुँचते हैं तो हमें एक एक बंदे से इतनी इनकम हो जाएगी, जो कि काफ़ी लोग कर भी रहे हैं इसी प्रकार से। और आपके ये स्लॉट कितनी भी बार रिसाइकिल हो सकते हैं, आप 10 बंदे जोड़ोगे तो बार बार रिसाइकिल होकर आपको इसी प्रकार से इनकम मिलती रहेगी। लेकिन आपको ये स्लॉट लाइफ में एक बार ही खरीदने हैं, आपको दोबारा नहीं खरीदने हैं, इस बात का ध्यान रखना है।
दोस्तों जैसे ही आप बार में स्लॉट जो 9900 BUSD का है, अगर आप यहाँ तक पहुँचते हो, इन सभी स्लॉटों को एक्टिवेट कर लेते हो, तो आपको लाइफ में कभी भी स्लॉट एक्टिवेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और बाद में जो भी आपकी कमाई होगी वह आप ही की कमाई होगी, फिर आपको कहीं भी पैसे इन्वेस्ट नहीं करने हैं इस फोर्स आज सिस्टम में, और आप लाइफ टाइम के लिए बिल्कुल फ्री हो जाते हो। और आप जब भी किसी को भी जोड़ोगे, वो भी स्लॉट बाय करेंगे, तो वह सब कमाई आपकी होगी, जो लाखों की कमाई होगी वह सब आप ही की होगी। तो दोस्तों अभी तक तो सिर्फ यह X3 वाले केवल पहले स्लॉट का था, अभी बाकी के जो X4 और XXX वाले स्लॉट बचे हैं उनमें भी आपको इसी प्रकार से इनकम मिलेगी। दोस्तों X4 में आपको 6 गोले मिल जाएंगे, जो कि जो पहले 2 गोले हैं उनकी इनकम आपको अपलाइन को जाएगी। जैसे आप 2 बंदे जोड़ते हो तो उनकी इनकम आपके अपलाइन को जाएगी, और आप तीसरा बंदा जोड़ते हो तो उसकी इनकम आपको मिल जाएगी, और दोस्तों चौथे बंदा जोड़ोगे उसकी इनकम आपको मिलेगी, पांचवा बंदा जोड़ोगे उसकी इनकम आपको मिलेगी, और जैसे ही आप छठा बंदा जोड़ोगे तो पेज रिसाइकिल हो जाएगा, जो कि उसकी इनकम आपके अपलाइन को चली जाएगी। अब दोस्तों यह देखिए, आपने X4 में से सिर्फ 5 BUSD का स्लॉट पहला एक्टिवेट किया था, और आपने अपना डाउनलाइन को भी पहले स्लॉट से ही ID लगवाई थी। तो दोस्तों यह देखिए, आपको तीन गोलों से पैसे मिले थे, जो कि पहले दूसरे स्लॉट की आपके अपलाइन को गई थी, और जो तीसरा चौथा और पांचवा गोला है उसके इनकम आपको मिली थी। तो आपको प्रत्येक से 5 BUSD मिलते हैं, तो आपको टोटल 15 BUSD मिल गए, लेकिन आपने इस स्लॉट में कितने लगाए, 5 BUSD, और आपको मिल गए 15 BUSD। तो दोस्तों इसी प्रकार से जैसे छठा गोला भरता है तो उसकी इनकम आपके अपलाइन को चली जाती है। अब दोस्तों आपको 15 BUSD मिल गए, अब अगला स्लॉट 10 BUSD का है, तो आप अगला स्लॉट 10 BUSD से एक्टिवेट कर सकते हो, और जो 5 BUSD बचेंगे, जो कि वह आपकी इनकम हो जाएगी। अब दोस्तों इसी प्रकार से आपका स्लॉट जितनी कीमत का होगा, आपको प्रत्येक बंदे से उतने ही पैसे मिलेंगे। इसमें भी आपको 9900 तक का स्लॉट मिल जाएगा, जो लास्ट स्लॉट है। और अगर X4 में अगर आपका स्लॉट एक बार रिसाइकिल हो जाता है, तो आपको 5 BUSD का स्लॉट है तो आपको 15 BUSD मिलते हैं, लेकिन आपको अगला स्लॉट सिर्फ 10 BUSD लगाकर ही एक्टिवेट करना है, तो आपको स्लॉट की कीमत फिर भी बच जाती है। दोस्तों आपका स्लॉट 5 BUSD का था, तो दोस्तों आपको 5 BUSD बच जाएंगे, क्योंकि आपको 15 BUSD मिले थे, और आपको 10 BUSD अगले में लगाने हैं, तो आपके 5 BUSD बच जाएंगे। जैसे ही आपका 10 BUSD वाला स्लॉट रिसाइकिल होगा, तो आपको अगले जो 20 BUSD हैं वो अगले में लगा देने हैं, और आपको 10 BUSD बच जाएंगे, जो कि स्लॉट की कीमत आपको बचती रहेगी हर बार। और जैसा कि आपको पता है कि आपको स्लॉट सिर्फ ज़िंदगी में एक बार बाय करने हैं, फिर आपको दोबारा इसमें कभी भी पैसे नहीं लगाने हैं। तो दोस्तों इसी प्रकार से अब हम XXX की बात करते हैं। इसमें आपको सबसे पहले 2 गोले मिल जाएंगे, फिर उनके नीचे आपको 4 गोले मिल जाएंगे, और फिर उनके नीचे आपको 8 गोले मिल जाएंगे। इसी प्रकार से आपको इसमें 14 गोले मिल जाएंगे। अब दोस्तों जो पहला और दूसरा गोला है उसकी इनकम तो अपलाइन को चली जाएगी। इसमें आपको पहला स्लॉट 8 BUSD से मिल जाएगा, तो इसमें पहले 2 गोलों की इनकम आपके अपलाइन को चली जाएगी। और इसमें जो दूसरी वाली लाइन में जो तीसरा घेरा है, अगर इसमें कोई बंदा आकर बैठता है तो आपको उसका 30% मिलेगा। दोस्तों जैसे कि यह स्लॉट 8 BUSD का है, तो आपको 30% 2.4 BUSD मिल जाएगा। और इसी प्रकार से कोई चौथे वाले घेरे में आकर बैठता है तो फिर भी इतना ही मिलेगा, पाँच में से भी इतना ही मिलेगा, और छठे में कोई आकर बैठता है तो इसका आपको 70% मिलेगा, यानी कि दोस्तों आपको 5.6 BUSD मिलेगा। और जो दूसरी लाइन में जो लास्ट में छठा घेरा भरा गया था, जो इसमें का 30% बचा है, वह आपके अपलाइन को चला जाएगा और 70% आपको मिल जाएगा। अब दोस्तों इसी प्रकार से इसमें तीसरी जो लाइन है और इसका जो पहला घेरा है, अगर इसमें कोई आकर बैठता है तो हमें 70% मिलेगा। दोस्तों यानी कि यह स्लॉट 8 BUSD का है और 70% हमारा 5.6 BUSD बैठता है। तो दोस्तों हमारे इसमें 8 घेरे हैं, तो 7 घेरों से तो हमें 70% मिल जाएगा, और जो 8 में घेरा है उससे हमें 30% मिलेगा, और जो 70% बचा हुआ है वह हमारे अपलाइन को रिसाइकिल होने के लिए चला जाएगा, और इस स्लॉट के सभी घेरे फिर से खाली हो जाएंगे, और यह दोबारा से भरने के लिए रेडी हैं। दोस्तों अब हम और ज्वाइनिंग लगवाएंगे तो हमारे घेरे सभी घेरे हमारे फिर से इसी प्रकार से भर जाएंगे, और सभी स्लॉटों में भर जाएंगे। अब दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं, XXX वाले स्लॉट में अगर 8 BUSD का पहला स्लॉट एक बार रिसाइकिल हो जाता है, तो सबसे ज़्यादा इनकम हमें इस वाले स्लॉट से होती है, जो कि दोस्तों एक स्लॉट की कीमत 8 BUSD है, और यह एक बार रिसाइकिल हो जाता है तो हमें 45 से 50 BUSD के लगभग दे जाता है। अब दोस्तों अगले स्लॉट की कीमत 15 BUSD है, और हमें पहले स्लॉट से ही 45 से 50 BUSD मिल चुके हैं, तो हमें इसकी जो सारी कमाई है वह हमारी बच जाएगी, और जिससे कि हमारी यह बहुत बड़ी रकम बैठती है। दोस्तों इसी प्रकार से अगर हम इसमें 1-2 महीने मन लगा के काम करें, तो हम लाखों करोड़ों के पार पहुंच सकते हैं। तो यह सिस्टम लाइफ टाइम चलने वाला सिस्टम है।
अगर आपको इस सिस्टम के साथ जुड़ना है तो आपको इस वीडियो पर मोबाइल नंबर दिख रहा होगा, आप इस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं या आपको डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप मिल जाएगा, आप उसमें ज्वाइन हो सकते हैं। और दोस्तों आप हमसे पर्सनल भी व्हाट्सएप भेज सकते हैं, और आप जूम मीटिंग लेना चाहते हैं तो आप व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो जाएं, जिसकी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। तो दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं अगली एक और नई वीडियो में।